ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो मैनिपुलेशन, इसका डेफिनेशन, ये सब हो गया था लास्ट क्लास में। अब क्या है इसका जो जीआईएस सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस क्या है, विथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एक डेमो भी दिखाए थे, ऑन डिटेल नहीं होगा अलग बात है, लेकिन और दिखाएंगे बाद में। अब क्या है कि आता है तुम्हारा मेन जो है डेटा वाला पार्ट में, ठीक है, जिसको लेकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, जीआईएस डेटा एंड सोर्सेस विजिबल है ना, एक बार ये कर दो, नेक्स्ट टाइम से अगर मान लो नहीं भी होगा तो रिकॉर्डिंग सेव होकर रहेगा। गौरव यस सर, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर क्या है जीआईएस, ये तुम्हारा जो तुम्हारा डाटा डेटा स्ट्रक्चर का तुम्हारा एक ये है स्लाइड है वो, जिसमें तुम्हारा वो स्लाइड दिख रहा कि नहीं, नहीं तो फिर बोलते जाएंगे तुम लोग सुनोगे तो फिर स्लाइड नहीं दिख रहा सर, स्लाइड नहीं दिख रहा डेटा स्ट्रक्चर का। जीआईएस का तो डिफाइंड है एक ट्री जो है, दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा सर, अब दिख रहा सर। हाँ थोड़ा सा स्लो हो रहा। तो डेटा स्ट्रक्चर का देखो जीआईएस का दो पार्ट है, एक है ग्राफिक और एक है अल्फा न्यूमेरिक। तो ग्राफिक जो पार्ट है, ठीक है, मेन जो उसी से रिलेटेड हम लोग का जितने काम होता है ना, अल्फा न्यूमेरिक जो होता है तुम्हारा नॉन स्पेशियल जो रहता है, तुम्हारा जो मेन लगता है एट्रीब्यूट जो रहता है, ठीक है, एट्रीब्यूट इन द सेंस ऑफ उसका फीचर्स होता है। जैसे मान लो एक एक्सेल शीट है, ठीक है, इसमें मान लो ऊपर में लिखा हुआ कि जैसे तुम लोग का मान लो अटेंडेंस शीट है, या मान लो तुम लोग का मार्कशीट है, तो पहले लिखा हुआ सकता है कि कोई स्टूडेंट का नाम गौरव हो सकता है या अश्विनी हो सकता है, उनका नाम लिखा हुआ, तो पहला कॉलम है नेम, सेकंड है रोल नंबर, थर्ड है कि मार्क्स ऑफ जीआईएस, और फोर्थ कॉलम है मार्क्स ऑफ तुम्हारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इस टाइप का है। जो ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ है ये तुम्हारा एट्रीब्यूट है, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट है, जैसे मान लो बोलेगा कि एक एट्रीब्यूट है कि मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, किसका है, तो एट्रीब्यूट है। तो ये जो है ये तुम्हारा आता अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक। हम लोग का जो ग्राफिक डेटा उसी के ऊपर मेन काम है। तो इसका जो टाइप्स होता है दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेशियल होता है, एक होता है तुम्हारा नॉन स्पेशियल। ग्राफिक के अंदर भी दो पार्ट है, एक स्पेशियल जो मेनली क्या होता है ना कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो तुम्हारा कोई स्पेशल स्पेशल सॉरी वर्ड क्या क्या है कि मतलब कोई मतलब तुम्हारा क्या होता है लोकेशन बेस्ड जो डेटा होता है, ठीक है, और नॉन स्पेशियल जो नॉर्मल रहता है, ठीक है। स्पेशियल के अंदर दो पार्ट है, एक होता है वेक्टर डेटा और एक होता है रेस्टर डेटा। वेक्टर एंड रेस्टर का डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके क्लासेस में, ठीक है। वेक्टर डेटा क्या होता है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आता है, जो तुम्हारा क्या होता है पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन से होता है, और रेस्टर डेटा क्या तुम्हारे इमेज से होता है, छोटे छोटे ग्रिड पॉइंट से होता है। इसका जो इमेजेस होता है दो पार्ट में होता है, दो टाइप का डेटा कैप्चर किया जाता है, एक होता है एरियल फोटोग्राफ से, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा रिमोट सेंसिंग डेटा से, ठीक है। ये जो फोटो कैप्चर करने का एक प्रोसेस है, हाँ, टॉप व्यू से हो सकता है कि कैमरा माउंटेड कोई तुम्हारा क्या हो सकता है ड्रोन के थ्रू मूव कराता है, इसका फोटो खींचते हैं, या हो सकता है कि रिमोट सेंसिंग डेटा हो सकता है। तो ये तुम्हारा है तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक तुम्हारा थिंग्स। अब होता था मैप्स एंड मैप एलिमेंट्स। मैप क्या है कि मैप आर द ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि ये क्या है, दिस आर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, दे रिप्रेजेंट कार्टोग्राफिक इंटरप्रिटेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। रियलिटी का जो है वो तुम्हारा क्या होता है कि कार्टोग्राफिक इंटरप्रिटेशन जो होता है, एंड क्या होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी का, ये कहते हैं मैप। मैप प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक होता है तुम्हारा लोकेशनल इंफॉर्मेशन और एक होता है तुम्हारा स्पेशियल रिलेशनशिप्स। लोकेशनल इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ कि कौन सा जगह में है, और स्पेशियल रिलेशनशिप क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ये कहाँ पे है। और द जीएस डेटा फॉर्मेट जो ऑलरेडी बोले है कि दो टाइप का होता है, रेस्टर डेटा एंड वेक्टर डेटा। ये तुम्हारा क्या होता है, देयर आर टू फॉर्मेट्स यूज्ड बाय जीआईएस सिस्टम्स टू स्टोर एंड रिट्रीव जियोग्राफिकल डेटा, दैट इज द रेस्टर डेटा एंड वेक्टर डेटा। अब क्या होता है मैप कंटेंट्स फीचर्स सच एज तुम्हारा आता है वेक्टर डेटा के अंदर, ये तुम्हारा आता है पॉइंट लाइन इन पॉलीगन से। तो मैप कंटेंट जनरली क्या होता है, पॉइंट पॉइंट फीचर, लाइन फीचर एंड एरिया फीचर्स। पॉइंट फीचर्स के अंदर होता है तुम्हारा यहाँ पे देख लो कि पॉइंट्स के अंदर, जैसे मान लो कोई मैप के अंदर पॉइंट फीचर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हारा एक हो सकता है तुम्हारा वेल्स, कंट्रोल पॉइंट्स,
सैंपल साइट्स, फायर स्टेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट जो साइट्स है। और लाइन फीचर्स क्या है, तुम्हारा रोड्स हो सकता है, ठीक है, हाइड्रो लाइन्स हो या रिवर्स है, कंट्रोल लाइन्स है, ये सब है। और एरिया फीचर्स के अंदर क्या आएगा, तुम्हारा अर्बन एरियाज आएगा, वाटर बॉडीज आएगा, सॉयल आएगा, रॉक यूनिट्स आएगा, फॉरेस्ट एरिया, ये सब आएगा, ठीक है। तो कोई भी मैप के अंदर जो पॉइंट फीचर है वो तुम्हारा कोई स्पेशल पॉइंट को लोकेट करता है। लाइन फीचर्स क्या है, जैसे कोई लाइनिंग तुम्हारा जो तुम्हें अलाइनमेंट टाइप का है, जैसे तुम्हारा रोड्स हुआ, हाइड्रो लाइन्स हुआ, रिवर्स हुआ, कंट्रोल लाइन्स हुआ, ये सब को रिप्रेजेंट करता है। एरिया फीचर कोई एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो कोई सिटीज है, या मान लो कोई वाटर बॉडीज है, या मान लो कोई जो तुम्हारा मतलब तुम्हारा जिसका एक डायमेंशन रहता है, विड्थ एंड इसका, ठीक है। और इसलिए एरिया फीचर्स को उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है पॉइंट फीचर, पॉइंट फीचर का स्लाइड दिख रहा है तुम लोग को? ओके, चलो तब ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया। क्या है पॉइंट फीचर, कि ये स्पेशली क्या हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज, एक्टिविटीज और इवेंट्स, क्या है ये स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज क्या है, एक्टिविटीज और इवेंट्स पे हो सकता है। पॉइंट्स हैव अ सिंगल जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, सच एज क्या हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, या कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट का लोकेशन हो सकता है, या कोई लैंप पोस्ट का हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पे ट्री है, ट्री को यहाँ पे दिखाया है, ये पॉइंट के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्या, तुम्हारा पॉइंट फीचर का जो तुम्हारा एक हो सकता है कि जीआईएस का जो सॉफ्टवेयर उसमें कैसे शो होता है, जैसे ये सब पॉइंट है, ये सब क्या है कि पॉइंट फीचर को ऑन किया हुआ, बाकी सब क्या है, बाकी सब ऑफ है। तो इसमें क्या पॉइंट फीचर में दिख रहा है कि कोई ऑयल्स हो सकता है, कोई सैंपल सेट्स हो सकता है, कोई हर्ट्स हो सकता है, स्कूल्स, क्लिनिक्स, ये सब हो सकता है। बाकी फीचर्स ऑन कर देंगे कि क्या होगा, कॉम्पेरेटिवली सबको दिख पाएगा कि ये कहाँ कहाँ है। और इसके बाद तुमको बोल सकता है, तुम्हारा लीजेंड बोलता है, इंडेक्स को बोल सकते हैं लीजेंड, LEGEND, लीजेंड, लीजेंड मतलब इंडेक्स में सब कुछ रहेगा कि ये जो है ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्लिनिक है, यहाँ पे वेल है, यहाँ पे सैंपल साइट्स है, स्कूल्स है, क्लिनिक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तुम्हारा पॉइंट का एक मतलब विजुअली तुमको ये करने के लिए ये स्लाइड यहाँ पे हम लोग ये मतलब दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लाइन फीचर, लाइन फीचर तुम्हारा आता है जैसे रास्ता को दिखाया यहाँ पे देखो, ठीक है। ये क्या होता है, तुम्हारा कोई स्ट्रीट्स हो सकता है, रोड्स हो सकता है, रेलवे का लाइन का स्ट्रीट हो सकता है, या कोई पॉइंट जो मतलब तुम्हारा लाइन के अंदर ये कंटिन्यूटी रहता है। तो ये क्या है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज, एक्टिविटीज और इवेंट्स। लाइन्स और जनरली आर्क्स भी बोल सकते हैं उसको, आर्क ऐसा नहीं कि स्ट्रेडी रहेगा। आर ए सीरीज ऑफ जियोग्राफी के कोऑर्डिनेट्स जॉइंट्स टू फॉर्म ए लाइन सच एज रोड हो सकता है, स्ट्रीम हो सकता है, रेलवे हो सकता है, ठीक है। इसका देखो एक ग्राफिकल सॉरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कराया, देखो देखो सिंपली क्या है कि यहाँ पे एक रोड दिखाया है कर्व्स के थ्रू, या हो सकता है नेटवर्क दिखाया जा सकता है। ये तुम्हारा लाइन्स का एक विजुअलाइजेशन इन जीआईएस। फिर एरिया फीचर्स क्या है, देखो कोई एरियाज को दिखा रहा है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, कोई लेक है, कोई जैसे तुम्हारा होता है ना वाटर बॉडी है। तो ये क्या है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज, एक्टिविटीज और इवेंट्स। एरियाज दैट इज पॉलीगन बोलता है, जैसे बोले थे ना पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन, आर ए सीरीज ऑफ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म ए बाउंड्री सच इज लेक, सॉयल टाइप्स, तो उसके बाद तुम्हारा हो सकता है कि वाटर बॉडीज में भी एक्सेट्रा, इस टाइप का बहुत टाइप का हो सकता है। ये पॉलीगन का एक ग्राफिकल फिर से यहाँ पे एक सैंपल दिखाया है, जिसमें दिखाया है कि एक अर्बन एरियाज को रिप्रेजेंट किया है कि ये तुम्हारा सिटीज है, इतना यूनिफॉर्म सेफ होता नहीं जनरली, बगल में क्या फॉर्म है, फिर एक फॉरेस्ट एरिया दिखाया है, उसके बीच में एक बिल्डिंग है, फिर इधर का एरिया जो है तुम्हारा साउथ पार्ट में तुम्हारा लेक है। अब देखो तुम लोग को जो विजुअलाइजेशन होता है, ये देखो ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेक्टर एंड रेस्टर जो तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहे थे, तो ये जो स्लाइड दिख रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर दिख रहा है सर। नहीं अब देखो नहीं देखो वेक्टर और रेस्टर में कैसे डिफरेंस होता है। देखो वेक्टर देखो क्या है, वेक्टर का जो एक चेयर है ना, चेयर देखो जो राइट साइड में वेक्टर मॉडल से बनाया हुआ है, उसमें क्या तुम्हारा पॉइंट तो कहीं नहीं दिख रहा, जनरली क्या लाइन से ही बनाया हुआ है, ठीक है। या रेक्टेंगल का कंसीडर करोगे तो बोल सकते हो कि हाँ ज्यादा से ज्यादा पॉलीगन है। तो तीन फीचर्स में से ही बन जाता है वेक्टर मॉडल, लेकिन वही के रेस्टर मॉडल है, छोटे छोटे देखो ग्रिड पॉइंट्स इसको ही होता है, या फिर जूम आउट की है बोल के इस टाइप का दिख रहा है, लेकिन जूम इन करोगे ना तो फिर चेयर क्लियरली दिखता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा लेफ्ट साइड में है वो तुम्हारा रेस्टर मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, और जो तुम्हारा राइट साइड में है वो तुम्हारा है वेक्टर मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रेस्टर फॉर्मेट का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे रहे, तो फिर भी एक बार बोल देते हैं कि डेटा क्या है, कि रेस्टर फॉर्मेट का डेटा क्या हुआ, तुम्हारा डिवाइडेड इनटू सेल्स, पिक्सेल्स और एलिमेंट्स। और क्या होता है, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन एरेज, मतलब छोटा छोटा जो होता है रो
एंड कॉलम वाइज तुम्हारा यहाँ पे जैसे फोटो में दिख रहा है रो एंड कॉलम वाइज अरेंज है। उसके बाद जो जो नीडेड पार्ट है वो सब को पार्ट को यहाँ पे क्या है, जैसे ब्लू पार्ट है यहाँ पे जो जो नीडेड पार्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नहीं मतलब वहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू वो तुम्हारा हाईलाइटेड होता है। फिर उसके हिसाब से ये फीचर डिफाइंड होता है कि कौन सा फीचर्स है। तो क्या है कि डेटा आर डिवाइडेड इनटू सेल्स एंड पिक्सेल्स और एलिमेंट्स। सेकंड क्या है, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अरेज एंड ईच सेल हैज ए सिंगल वैल्यू, डेफिनेटली सिंगल वैल्यूज है, ठीक है। और रो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभी ग्रीन चल रहा है कुछ देर बाद वहाँ पे ब्लू होने के बाद रेड हो जाएगा, सो एक सिंगल वैल्यूज है और उसका ब्राइटनेस भी उसी टाइप का रहता है। और रो एंड कॉलम नंबर्स आर यूज्ड इन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन द अरेज। ओके डेफिनेटली, जैसे मान लो 3.3 मतलब क्या होता है, तो देखो ऊपर से यहाँ पे तो कर्सर नहीं है, नहीं तो दिखा देते, तो 3 लेफ्ट में राइट साइड में जाने के बाद 3 उसके बाद नीचे 3 आएगा, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट 3.3 मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेशन करता है। तो भाई क्या होता है कि रोज एंड कॉलम नंबर्स आर यूज्ड इन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन द एरे। परहैप्स द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टर डेटा इज ए डिजिटल इमेज। जो डिजिटल इमेज हम लोग जैसे फोटो खींचते हैं या हम लोग जो स्कैन करके रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है रेस्टर डेटा का और क्या है कि दिस इज अ ग्रिड और रेस्टर सिस्टम स्टोर्स डेटा एज ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन सच ईच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट ए लोकेशन। हाँ डेफिनेटली क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फोटो को तुम स्कैन करोगे ना तो उसको जूम आउट करोगे, जैसे फोटो में तुम लोग को मोबाइल में ऑलरेडी ये थोड़ा रिपीटेटिव टाइप का है, जूम आउट करेगा तो बॉक्स बॉक्स टाइप का दिखता है। तो एक एक जो मतलब तुम्हारा पॉइंट है एक एक स्पेशल वैल्यूज है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द तुम्हारा जो तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन या ऑब्जेक्ट का फीचर्स कैसे रहता है उसके हिसाब से सेल का वैल्यूज होता है। जैसे मान लो एरिया एकदम रात में खींचोगे ना तो वहाँ का जो कोई अगर मान लो कोई फीचर्स ही नहीं है, मान लो तुम्हारा डीप नाइट में एकदम नाइट सिम नाइट में मतलब हो सकता है कि जहाँ पे एकदम मतलब डार्क एरिया वहाँ पे तुम फोटो खींचे हो तो जहां जहां पे थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करेगा उसमें लगेगा कि हाँ उस सबका कुछ अलग वैल्यू स्टोर होगा और बाकी जहां पे डार्क देखेगा सबका वैल्यू एक ही टाइप का स्टोर होगा। सो ईच पिक्सल वैल्यूज का जो वैल्यू होगा वो सब पिक्सल वैल्यूज का तुम्हारा सेम रहेगा। और फिर दिन में खींचोगे तो फिर क्या हो गया वो वेरिएशन आएगा। फिर जहां तुम्हारा मान लो कोई पेड़ का फोटो खींचे हो तो ग्रीनरी पार्ट का जो तुम्हारा ये हो गया वहां पे स्टोर होगा उसका इन्फॉर्मेशन कुछ अलग न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो ये क्या है स्टोर करने का एक प्रोसीजर है। और क्या है द बेसिक डेटा यूनिट इज सेल और पिक्सल, ईच सेल इज असाइंड ओनली वन वैल्यू। ये तो रिपीटेड है। एन एरे और पिक्सल फ्रॉम द एंटिटी पॉइंट लाइन एंड एरे सरफेस ये नीडेड है नहीं। द शेप एंड साइज ऑफ द एरे डिटरमाइंस द बेसिक रिजोल्यूशन। हाँ ये क्या होता है शेप एंड साइज जितने रहता है ना छोटा छोटा पार्ट का जो एरे जो रहता है तुम्हारा जिसको पिक्सल बोलते हैं उसके हिसाब से तुम्हारा रिजोल्यूशन डिपेंड करता है। जिसका रिजोल्यूशन मान लो 480x360 है तो उसका जो सेल साइज का होगा वो अलग रहेगा, और जिसको 1080x1080p होगा उसका कुछ पिक्सल जरूर अलग रहेगा। तो ये क्या होता है शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर रहता है तो पॉलीगन्स कैन बी फॉर्म इंडिकेटिंग एरियाज ऑफ होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पॉलीगन्स कैन बी फॉर्म इंडिकेटिंग एरियाज ऑफ होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है देखो कि ये देखो पॉलीगन जैसे बनाया हुआ है वेक्टर मॉडल का, देखो अगर मान लो चेयर का जो बैठने का जो जगह है वहां पे मान लो येलो है, ठीक है, तो वो क्या है येलो दिख रहा है। तो बीच में क्या हो सकता है बीच से अगर मान लो दूसरा कलर भी करेगा तो वो कलर दिख सकता, लेकिन क्या है जो फोटो दिख रहा है देखो ना एक एक छोटे छोटे पिक्सल वो ब्लू टाइप का दिख रहा है तो ब्लू ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका आधा पार्ट ग्रीन दिखेगा और आधा पार्ट तुमको ये देखेगा, ये यूनिक कलर का रहता है, यूनिक वैल्यू होता है इस सेल का, इसलिए यूनिक जो कलर डिस्प्ले होगा जो स्टोर होगा स्कैन करने के टाइम पे वही तुम्हारा वहां पे स्टोर होगा यूनिक। इसीलिए ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था पॉलीगन्स कैन बी फॉर्म्ड इंडिकेटिंग एरियाज ऑफ होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टाइप का रहेगा, ठीक है। तुम्हारा आता है वो तुम्हारा है ये रजिस्टर डेटा का एक है जैसे क्लियर लाइन डिफाइंड हो रहा है, लेकिन देखो सैंड का कुछ अलग पार्ट से डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। टू नंबर जो है तुम्हारा ग्रास जो कलर से डिफाइंड हुआ है सीसीज वगैरह है। तो ये क्या है रेस्टर डेटा का जो तुम्हारा है ये तुम्हारा सेल्स एंड जो पिक्सल्स डेटा आ रहा
और बाउंड्रीज सॉरी मिनट ठीक है। तो रजिस्टर ये तुम्हारा रजिस्टर फॉर्मेट के अंदर आ गया। फिर तुम्हारा था फैक्टर जो है कि डेटा आर स्टोर्ड इन टू फाइल्स, ये फाइल कंटेनिंग लोकेशन इंफॉर्मेशन, और सेकंड क्या है ये फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द एट्रीब्यूट्स, क्या है एक लोकेशन के बारे में कहाँ का है एग्जैक्ट जो लैट लॉन्ग है विथ उसको या जो तुम्हारा फाइल है एक फाइल में रहता है उसका लोकेशन इन्फॉर्मेशन, और सेकंड रहता है उसका एट्रीब्यूट उसका फीचर्स के बारे में ठीक क्या है। जैसे कोई जगह का नाम है तो वो है, जैसे मान लो तुम्हारा बोकारो होगा तुम्हारा एट्रीब्यूट फीचर का फाइल में से होगा, और तुम्हारा उसका लैट लॉन्ग 72 डिग्री समथिंग ईस्ट वेस्ट, वो तुम्हारा तुम्हारा लोकेशन का इन्फॉर्मेशन में फाइल में सेव होगा। ए थर्ड फाइल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड टू लिंक पोजिशनल डेटा विद देयर एट्रीब्यूट्स, ओके एक थर्ड फाइल रहता है जो कंटेंट इंफॉर्मेशन नीडेड टू लिंक पोजिशनल डेटा विद द एट्रीब्यूट, जहां पे अटैच्ड है कि जरूरत नहीं है बोकारो, हम बोकारो जो वर्ड है कहां बैठाएंगे, जहां पे 73 डिग्री वर्ड है वहीं पे मेंशन होगा, तो रिलेशनल डेटा रहता है फाइल, ये तुम्हारा थर्ड फाइल है। वेक्टर डेटा जो क्या है, वेक्टर सिस्टम यूजुअली स्टोर्स डेटा एज कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल ईच यूनिफॉर्म एरिया इज सराउंडेड बाय अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जिसको वेक्टर बोलते हैं। इन ए वेक्टर बेस्ड सिस्टम एवरी पॉइंट इज रिकॉर्डेड बाय अ पेयर ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड वेक्टर्स आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट लाइन बेस्ड डेटा दैट इज रोड रोड्स रिवर्स वेल्स, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एट द एंड ऑफ ईच वेक्टर कैन बी डिजिटाइज्ड एंड स्टोर, मोस्ट स्पेशल फीचर्स कैन बी डिस्प्लेड एज पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन। ये देखो तुम्हारा एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो तुम लोग को दिखा रहे थे ये तुम्हारा था बाय रेस्टर डेटा, यहाँ पे तुम्हारा वेक्टर डेटा। देखो यहाँ पे क्या था, वहाँ पे बाय ग्रिड सेल रिप्रेजेंट किए हैं ठीक है, छोटे छोटे पिक्सल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं, जो तुम्हारा सैंड हुआ, ग्रास एरिया हुआ, जैसे तुम्हारा वेजिटेशन एरिया हुआ, वाटर बॉडीज हुआ, और सेम एरियाज को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तुम्हारा पॉइंट लाइन, जब पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन द्वारा हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर डेटा के अंदर आ जाएगा ठीक है। तो ये तुम्हारा वेक्टर डेटा ठीक है, वेक्टर एंड रेस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट मैप फीचर्स, मैप फीचर्स जो तुम्हारा डॉट पॉइंट से जीआईएस वेक्टर फॉर्मेट, जिसमें देखो क्या फर्क है दिखा रहा है, वेक्टर एंड रेस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट एंड मैप फीचर्स में। मैप फीचर में क्या हो सकता है कि एग्जैक्ट एक डॉट पॉइंट से दिखाते हैं, लेकिन जीआईएस वेक्टर फॉर्मेट में क्या रहेगा, एक्स वाई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट रहेगा, और रेस्टर फॉर्मेट में क्या रहेगा कि जीआईएस रेस्टर फॉर्मेट में कोई छोटा ग्रिड सेल रेक्टेंगल सॉरी बॉक्स टाइप का रहेगा, वो तुम्हारा क्या हो गया सेल लोकेटेड इन एन एरे ठीक है, कोई पर्टिकुलर पिक्सल्स जो होता है वैल्यू होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। दिस इज द कॉम्पेरेटिव तुम्हारा क्या होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर एंड रेस्टर का, कि लाइन मैप को कैसे से करते हैं। मैप फीचर में क्या है देखो कि ये कोई स्पेसिफिक ड्रॉ लाइन खींचा हुआ है, लेकिन जीआईएस वेक्टर फॉर्मेट में क्या होता है कोई एक स्पेसिफिक डिरेक्शन से ठीक है, और रेस्टर फॉर्मेट में छोटा छोटा ग्रिड सेल्स इसको हम लोग रिप्रेजेंट किया है ठीक है। ये हुआ तुम्हारा वेक्टर एंड रेस्टर का डिफरेंस, और कैसे वेक्टर एंड रेस्टर का हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं इस फोटो से हम लोग को क्लियरली पता चल सकता है। नेक्स्ट इज द ये तो लाइन के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए, ये एरिया सेगमेंट के लिए मैप में एक डिस्प्ले होता है। जीआईएस वेक्टर डेटा फॉर्मेट में क्या होता है देखो, एक पर्टिकुलरली एक जो
वेक्टर जो फॉर्मेट है उसमें क्या है, एक लाइन का जो डिरेक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर डिरेक्शन से हम लोग पॉलीलाइन से उसको घेर दिया है, और ये क्या है जो कुछ पिक्सल्स होता है, पिक्सल्स के द्वारा कवर किया गया कि ये पार्ट ये चीज है। फिर कंपैरिजन ऑफ रेस्टर एंड वेक्टर फॉर्मेट, रेस्टर एंड वेक्टर फॉर्मेट का कंपेरिट जो है तुम्हारा रेस्टर का क्या आता है कि रेस्टर फॉर्मेट्स आर इफिशियंट व्हेन कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंग एरेज विद द सेम सेल साइज, एंड वेक्टर फॉर्मेट्स आर क्या है इफिशियंट व्हेन कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन हुज जियोग्राफिकल शेप्स एंड साइजेस आर डिफरेंट। ठीक है, जब उसका डिफरेंट रहता है जियोग्राफिकल शेप उस पॉइंट ऑफ व्यू में रहता है। और रेस्टर का क्या है कि रेस्टर फाइल्स आर जनरली वेरी लार्ज बिकॉज ईच सेल ऑक्यूपाइज ए सेपरेट लाइन और डेटा, only one attribute can be assigned to each cell and cell size are relatively small, but vector kya hai, vector files are much smaller because a relatively small number of vectors can be precisely described, large areas and many attribute can be theek hai described to these areas. fir kya hai ki raster ka kya hai, raster representations are relatively coarse and imprecise but vector representation shapes can be very precise. Most GIS software kya hai ki can be displayed both raster and vector data. Only a limited number of programs can analyze both types of data or make raster type analysis in vector formats. Attribute data. Attribute data kya hai? Attribute data can be numeric or alphanumeric data that is assigned to a point, line or area special features. कोई स्पेशल एरिया कोई करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एटीबी डेटा का हो सकते हैं स्टैंड का आईडी, फिर कंपार्टमेंट नंबर, वेजिटेशन टाइप का क्या है, नेम ऑफ द फॉरेस्ट ब्लॉक, ठीक है, टाइप ऑफ रोड, ठीक है, वीएसएस कोड कोई स्पेशल कोड्स होगा। तो ये क्या होता है एट्रीब्यूट डेटा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं इसको मतलब नोट करते हैं या उसको ये करते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ स्पेशल स्पेशल डेटा जो जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता है कि नेचर ऑफ स्पेशल डेटा क्या है तुम्हारा, क्या है एक स्पेशल कंपोनेंट, एक एट्रीब्यूट कंपोनेंट और एक स्पेशल रिलेशनशिप टाइम कंपोनेंट। तो यहां से पता चल जाएगा कि क्या है नेचर ऑफ स्पेशल डेटा। तो स्पेशल कंपोनेंट मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एट्रीब्यूट कंपोनेंट है एक्सप्लेन स्पेशल ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्पेशल रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। टाइम कंपोनेंट जैसे होगा जिसको बोल सकते हैं टेम्पोरल एलिमेंट, ठीक है, तो ये दिस आर द डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है, फॉर स्पेशियल डेटा। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक का जो था कि एक बेसिक थिंग्स के क्या मतलब कैसे ये मतलब आज वेक्टर जीएस का विजुअलाइजेशन होता है, कैसे ये होता है विजुअलाइज शेयर किया।